रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। पाठ पूजा मिठाई वितरण के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा के 200 युवाओं ने रक्तदान करवाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ने के साथ ही 8 सालों में देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। वहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण, ऑल वेदर रोड का निर्माण सहित बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण जनपद वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जनपद में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बल्कि पूरे जनपद वासियों में अभूतपूर्व उत्साह का माहौल था और जिस तरह का यहाँ पर मौसम था उसमें हमारी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। बड़े हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का 72वां जन्मदिन आज रुद्रप्रयाग में मनाया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं पूरे संगठन रुद्रप्रयाग संगठन की ओर से पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदारनाथ जी को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।